कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र संस्कृत महाविद्यालय पश्चिम मधुबनी में प्रोफेसर कर्मचारी नियुक्ति घोटाले में FIR दर्ज करते हुए की गई नियुक्ति को विखंडित कर संपूर्ण घटना की CBI जांच करने के संबंध में RJD प्रदेश शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रवक्ता संतोष झा ने दिया कुलपति को आवेदन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है RJD के प्रदेश प्रवक्ता, इनसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि चूंकि हमने इनका आवेदन देखा है सोशल मीडिया पर, इन्होंने दिया है कि मिथिला ललित नारायण कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत अवैध बहाली और अवैध ये भुगतान, ये दो मामला बहुत ही ज्यादा तुल पकड़ते जा रहा है। और लगातार अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी हमेशा से अभी पिछले कई दिनों से लगातार इसी पर हम जानना चाहेंगे जिन्होंने क्या देखा है और किस तरह से इनको लग रहा है कि अवैध भुगतान किया जा रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे साथ। मैं तमाम मीडिया बंधुओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं बता दूँ कि ये जो मामला है ये जगन्नाथ मिश्र संस्कृत कॉलेज पश्चिम मधुबनी का मामला है। इसमें अभी 2019 में इसकी वैकेंसी निकाली जाती है और तमाम राष्ट्रीय पत्रिका में नहीं देखे, अब वेबसाइट पे नहीं देखे, इनकी बहाली निकाली जाती है। उसके बाद जो प्रक्रिया चलती है उस प्रक्रिया में अवैध ढंग से सीटों का बंडरवाट करके शिक्षा माफियाओं की संलिप्तता से, जिसमें इस विश्वविद्यालय के एक भ्रष्ट पदाधिकारी की मिली भगत से, और जो शिक्षा माफिया है जो उस कॉलेज की सबको अपनी पॉकेट की जेब को समझ जेब में लेके चल रहे हैं प्रदीप मिश्र, और एक उस भ्रष्ट पदाधिकारी के शिक्षा दलाल प्रदीप पाठक के द्वारा यहां बहाली में सीटों की खरीद और फरोख्त की जा रही है, इस बात की जानकारी मुझे मिली। हमने जब इसके तथ्य में जानने की कोशिश की तो उसमें तथ्य मिला जो राज्यपाल के द्वारा राजभवन के द्वारा एक चिट्ठी आई थी, जिसमें इन्होंने जो आरोप लगाया गया है जो वहाँ पे वर्तमान प्राचार्य हैं, उस प्राचार्य के विषय में राजभवन के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा 106 लोगों की नियुक्ति को रद्द करते हुए उनके भुगतान पे रोक लगाई गई थी। कहीं आप उसी मामला की तो बात नहीं कर रहे जिसमें कुछ दिन पूर्व JDU के बैनर तले यहाँ पे धरना भी दिया गया था? नहीं, वो मामला एक अलग मामला है, ये उससे अलग मामला है। इसमें करोड़ों का अवैध भुगतान किया गया है। राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और महाविद्यालय अनुदान आयोग के बगैर स्वीकृति के इसमें भुगतान की गई है, और वो एक जो मामला है उसको गंभीरता से देखना चाहिए विश्वविद्यालय को। मैंने इसकी मेमोरेंडम कुलपति महोदय को दी है और राज्य के तमाम राज्यपाल शिक्षा निदेशक सभी लोगों को भेजा है। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है, शिक्षक का मामला है, और मैं चूंकि शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में शिक्षक है वो गुणवत्तापूर्ण हो ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। कैसी बात करते हैं आप, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एक ऐसा मतलब यूनिवर्सिटी है जहाँ के कुलपति जो है बेस्ट कुलपति अवार्ड से सम्मानित है। ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, वहाँ का तो मामला पूरे देश में गूंज रही है, और उसी तरह का मामला यहाँ कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में भी वर्षों से चल रही है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ लाखों करोड़ों का बंदरबाट कुलपति को मौन अवस्था में रख के किया जाता है। कुलपति निगरी बने हुए हैं, उनको आवेदन दिया जाता है वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, आवेदन फूल टेबल में धूल फांक रहे होते हैं। ये जो मुद्दा है जिस पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, ये वहाँ के जो प्रिंसिपल है पवन झा, उनकी नियुक्ति अवैध है, जिनके ऊपर कार्रवाई के लिए मैंने लिखा और कार्रवाई चल रही है। उनकी जो पेमेंट है, वो करोड़ों का भुगतान कैसे हुआ, विश्वविद्यालय द्वारा उसका अभी तक कोई संस्तुति नहीं दी गई, उनकी नियुक्ति पर प्रश्न है। और वर्तमान में जो लेक्चरों की बहाली हुई है उसमें लाखों रुपए का डील करके, मैं आपको बता दूं, लाखों रुपए का डील करके व्याख्याता की नियुक्ति की गई है, और उसी प्रदीप मिश्र शिक्षा माफिया और प्रदीप पाठक शिक्षा माफिया के द्वारा प्रदीप मिश्र को साहित्य विभाग में वहाँ अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है, और दो लोगों से 12-12 लाख रुपया लेकर उनको नियुक्ति दी जा रही है। क्लर्क में पैसे की डिमांड की जा रही है, फोर्थ ग्रेड में पैसे की डिमांड की जा रही है। क्या शिक्षा व्यवस्था हमारे सुशासन बाबू के राज में, कहते हैं कि हमारा सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार जीरो टॉलरेंस पे है इस सरकार में। ये सिर्फ कहने से जीरो टॉलरेंस नहीं हो जाता, जमीन पे जीरो टॉलरेंस दिखना चाहिए। आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे भ्रष्टाचार 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 हो रही है, सिर्फ कहने से जीरो टॉलरेंस नहीं होता। अच्छा, ये कैसा नियुक्ति था, न अखबार में न किसी चैनल पे न कहीं पे कोई विज्ञापन,
किस तरह से मतलब नियुक्ति निकला भी और बहाली भी हो गया, मतलब अलादीन का एक चिराग होता है जिसमें से जिन निकलता है और फिर चिराग में घुस जाता है। ये जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं, इस यही तो बात है कि जब सही तरीके से कोई काम होगा तो सभी लोगों को, चूंकि ये कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय इस बिहार के 11 करोड़ जनता का विश्वविद्यालय, ये किसी एक का निजी पॉकेट संस्था नहीं है, 11 करोड़ पढ़े लिखे युवाओं की संस्था है, उनको नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन कुछ शिक्षा माफियाओं, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और पदाधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ नियुक्ति में अवैध ढंग से घोटाला हो रहा है, पैसों की बंदरबांट हो रही है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए जगन्नाथ मिश्र संस्कृत महाविद्यालय पश्चिम की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रोकी जाए। अगर नहीं रोकी गई तो राजद की तरफ से इस पर विशाल आंदोलन किया जाएगा और जिसकी गूंज पूरे बिहार में सुनाई दी जाएगी, और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं जगन्नाथ मिश्र संस्कृत को पश्चिम के आगे भी धरना देने का काम करूंगा और डिमांड उठाने का काम करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष झा, प्रदेश प्रवक्ता राजद शिक्षक प्रकोष्ठ। देखिए, ये इनका सीधा कहना है कि जिस तरह से संस्कृत यूनिवर्सिटी कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी में अवैध बहाली और अवैध, आपको क्या मामला था, एक अवैध बहाली के बाद अवैध बहाली, अवैध भुगतान, अवैध भुगतान को लेकर के लगातार यहाँ पे जो है सो भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर इस इन्होंने कुलपति महोदय को भी ज्ञापन दिया, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये सीधे तौर पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और आरजेडी की बात करें तो बिहार में विपक्ष के ग्रुप में सबसे बड़ी पार्टी है, उसके ये शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनका साफ तौर पे कहना है अगर इन सबों पर रोक नहीं लगा तो आने वाले समय में एक बड़ा जन आंदोलन छिड़ेगा। तब तक दरभंगा से दीजिए इजाजत, मैं सुमित कुमार झा।